हम लोग जो भी बोलते हैं, अब सरकार मान लीजिए कि अरबों में फंड दे रही है, करोड़ों में फंड दे रही है, और जिस उद्देश्य से जन कल्याण के लिए मान लीजिए नीतीश कुमार जी अरबों रुपया दिए बिहार में, और कहीं उसमें चोरी हो रहा है, इसकी जानकारी हमको देना प्रश्न के माध्यम से और पत्र के माध्यम से। अगर हम सभासद हैं तो हमारा धर्म बनता है, तो उसके लिए आवाज़ उठाना मेरा धर्म बनता है। सरकार के विपक्ष जो है वो आँख कान नाक सब है, जिस तरह सत्ताधारी दल के लोग हैं उसी तरह विपक्ष के लोग हैं, हम तो ना इधर हैं ना उधर हैं, हम तो नहीं। मान लीजिए कि किसी गलती से पुल अगर ढह जाए तो जो चोरी हुआ है तो चोरी पर बोलना एक और संवैधानिक नहीं है, हमारा राइट है। शाहबाद का एमएलए में भी डाउन हुआ था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है मॉनसून का, और इस सत्र में कई परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। इन परिस्थितियों के बीच में आज चूंकि पांचवा दिन था, तो पांचवें दिन आपने देखा बिहार विधान परिषद के अंदर में एमएलसी सुनील सिंह को लेकर के खूब चर्चाएं हुई। सुनील सिंह पर तलवार लटक गई है उनके कुर्सी की। आखिरकार नीतीश कुमार से क्या सुनील सिंह को पंगा लेना भारी पड़ गया है? अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सुनील सिंह किस तरीके से नीतीश कुमार को टारगेट करते थे, बार बार उन पर हमला करते थे। क्या यही वजह है कि आखिरकार वजह कुछ और है? तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए माहेश्वर सिंह हैं, एमएलसी हैं, बातचीत करेंगे। सर, सुनील सिंह की सदस्यता जाएगी क्या? चली गई जाएगी नहीं, चली गई। प्रतिवेदन आचार समिति का जी वो आ गया, ले हो गया हाउस में। हमने प्रयास किया है कि एक दो दिनों के लिए ले नहीं हो, टर जाए जी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सदस्यता जाएगी नहीं, सदस्यता चली गई। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने जो गलतियां हमारे ऊपर जो आरोप लग रहा है वो आरोप सही है। देखिए, हम लोग जो रिपोर्टर बैठते हैं वहाँ पर बेल में गया था जी, सारे मेंबर गए थे, राबड़ी देवी भी गई थी, और उसको हमने देखा है, उसमें दो मेंबर पर आरोप है, कारी सोहेब पर है, इन पर जी नहीं, सजा मिली है सुनील सिंह को। तो अब एक्शन क्या हो रहा था, क्योंकि हम लोग पश्चिम है और जो पूर्व दिशा में हो के अपना एक्शन कर रहा था, और बीमार तो कोई हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का नकल बात, सदन के नेता हैं, बिहार के राजा हैं, तो इन लोगों को भी वैसा नहीं होना चाहिए था। जैसा सुनील बाबू कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, नारा लगाया है, हम कोई उनका नकल नहीं उतारे हैं। तो आखिरकार मतलब वो कह रहे हैं कि नकल नहीं उतारा गया, जो आयोग गठन हुआ है इसमें ये कहते हैं कि आयोग गलत है, या आयोग का गठन कब हुआ हमें तो पता ही नहीं चला। हाँ, हो सकता है कि उनको पता नहीं हो, लेकिन उनको जब सूचना गई थी तो कमेटी में हाजिर हुए हैं, कुछ जवाब दिए होंगे, और पूरा हम डिटेल देखे नहीं है, लेकिन देखेंगे। किताब में सर ये भी लिखा है कि उन्होंने ये कहा था कि कौन होते हैं आप हमसे सवाल करने वाला, डीएम से कोई सवाल करता है क्या? एसडीएम सवाल करेगा डीएम से? नहीं नहीं, ये प्रजातंत्र है, सवाल तो जवाब होता है, उसी के लिए वो मनाया गया है, प्रश्नकाल भी है उसमें जो एक घंटे के लिए चलता है। जी जी जी। तो सवाल जवाब तो राजनीति में हुई भी करता है, पक्ष है विपक्ष है, लेकिन इतना जान लीजिए जी, विपक्ष भी सरकार का अंग है। हम लोग जो भी बोलते हैं, अब सरकार मान लीजिए कि अरबों में फंड दे रही है, करोड़ों में फंड दे रही है, और जिस उद्देश्य से जन कल्याण के लिए मान लीजिए नीतीश कुमार जी अरबों रुपया दिए बिहार में, और कहीं उसमें चोरी हो रहा है, और कहीं उसमें लूट हो रहा है, या काम सही नहीं हो रहा है, तो हमारा धर्म बनता है, हम उस सभा के सदस्य हैं, तो मेरा धर्म बनता है कि सरकार का संज्ञान में हम उस विषय को दें, या कोई अफसर से जनता प्रताड़ित है, अफसर गरीब का सुन नहीं रहा है, जनता का कोई काम नहीं कर रहा है,
तो इसकी जानकारी हमको देना प्रश्न के माध्यम से और पत्र के माध्यम से, अगर हम सभासद हैं तो हमारा धर्म बनता है, उसके लिए आवाज़ उठाना मेरा धर्म बनता है। सरकार के विपक्ष जो है वो आँख कान नाक सब हैं, जिस तरह सत्ताधारी दल के लोग हैं उसी तरह विपक्ष के लोग हैं, हम तो ना इधर हैं ना उधर हैं, हम तो निर्दलीय लोग हैं। तो सवाल है कि जो हाँ मान लीजिए कि जन कल्याण के लिए सरकार उपाय कर रही है, रोड बना, बिजली हुआ, पुल बना, सब कुछ हुआ, मान लीजिए कि किसी गलती से पुल अगर ढह जाए तो जो चोरी हुआ है तो चोरी पर बोलना एक और संवैधानिक नहीं है, हमारा राइट है बोलना। सुनील सिंह सही बोले थे क्या? अब सुनील सिंह भीतर क्या बोले थे सुन देखिए, बेल में जाना नारा लगाना अलग बात है, और किसी का हाव भाव का नकल करना गलत बात है। तो सुनील बाबू कह रहे हैं कि हम नहीं किए, पलटू राम भी कहा था उन्होंने नीतीश कुमार को, तो बहुत लोग हाला कर रहा था, हाला तो बहुत लोग कर रहा था। अब वीडियो में इनका क्या है, हम लोग वीडियो भी नहीं देख पाए हैं। ये एक चर्चा हो गई सर, राजपूत समाज के नेता को नीतीश टारगेट कर लिए हैं, राजपूतों को। ऐसा नहीं है कि राजपूत समाज के नेता को नीतीश कुमार टारगेट कर लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब व्यक्तिगत तो लोगों को कुछ होगा, लेकिन अब पूरे राजपूत के, बिहार के राजपूत को टारगेट कर लेंगे, सारा राजपूत तो नीतीश कुमार को वोट दिया है। शाहबाद की 6 सीटें लेकिन सर डाउन हो गई थी, इस वजह से शाहबाद का एमएलए में भी डाउन हुआ था। औरंगाबाद से के लड़ा, जो आपके समीकरण का वोट है कुशवाहा वोट, औरंगाबाद में वो कटा, तो काराकाट में राजपूत वोट कटा, तो फिर आरा में उस जाति का वोट कट गया, कास्केडिंग इफेक्ट हो गया, वो इफेक्ट हुआ है। सवाल है कि राजपूत अगेंस्ट नहीं था, मान लीजिए जिस जाति का आप कैंडिडेट दिए थे, तो जो जदयू का समीकरण है लौह कुश, तो कुश से जो इनका जुआ का पहले अध्यक्ष हुआ करते थे अभय कुशवाहा, वो जाके वहाँ लड़ गए, तो टोटल कुशवाहा लोग चला गया राजद की तरफ, तो वहाँ राजपूत कैंडिडेट एनडीए से था, तो काराकाट में कुशवाहा से सारा लोग भाग के चले आए दूसरे तरफ। तो यही परिस्थिति है, सवाल है कि कास्ट कुशवाहा वहाँ नहीं दिया था, राजपूत यहाँ नहीं दिया, तो फिर कुशवाहा यहाँ नहीं दिया, तो फिर राजपूत वहाँ नहीं दिया, इसी सब का असर पड़ा। और एमएलए के चुनाव में भी आप देखिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी अलग लड़ रहे थे, तो कुशवाहा वोट अलग हो गया था आपसे, जिससे एनडीए की वहाँ ज़बरदस्त पराजय हुई थी। जितना असली आरजेडी है सब उधर से ज़्यादा जीत हुई है, तो वो तो समय अनुसार अपना बदलते रहता है, गुणा भाग चलते रहता है उसके लिए क्या कीजिए। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे थे इतने दिन के बाद से, अब कल आएंगे तो विधानसभा मार्च भी, हम विधान परिषद में और विधानसभा में आए, अब क्यों नज़र नहीं आ रहे थे हमको पता नहीं, परिषद में बस सवाल पूछिएगा तो हम बता देंगे। राबड़ी देवी बड़ा फायर हो गई थी आज ललन सिंह के बयान पर, कैसे देखते हैं सर इसको? वो ललन बाबू हो चाहे कोई हो, राजनीति की अपनी एक मर्यादा है, और मर्यादा तोड़कर कभी बात नहीं करनी चाहिए। ललन सिंह ने मर्यादा तोड़ा है, हमें नहीं कहते हैं कि वो तोड़े हैं कि नहीं तोड़े हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने मर्यादा में रहना ज़्यादा बेहतर है, चाहे माननीय राबड़ी देवी जी हों, चाहे माननीय ललन बाबू हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे महेश्वर सिंह हों, कोई हो, मर्यादा है, मर्यादा कायम रखना चाहिए। और ऐसे भी नीतीश कुमार जी बिहार के आज के तारीख में राजा हैं, और जो राजा होता है प्रजा तो कई किस्म का होता है, प्रजा में विद्वान भी हैं, अनपढ़ भी हैं, गंवार भी हैं, लंठ भी हैं, बदमाश भी हैं, तो राजा को तो सबको ढोके लेके चलना पड़ता है, अपराधी है उसको सजा मिलती है, जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है,
शासन करना पड़ता है। ऐसे जो राजा होते हैं वो उदार हृदय के होते हैं। सर एक अंतिम प्रश्न है, बजट पर क्या कैसे देखते हैं? बजट जो 59,000 करोड़ रुपये बिहार को मिला है, विशेष पैकेज इसे आप कह सकते हैं? नहीं, इसे बिहार के लिए इसे अच्छा कुछ बात हो सकता है क्या? विपक्षी जितने हैं भारत के वो कह रहे हैं कि बिहार और आंध्र का बजट है, तो बिहार वासियों के लिए तो मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को खुश कर रहे, अरे खुश करने के लिए हो नीतीश कुमार के माध्यम से हो, तो बिहार को सौगात तो मिला है बिहार के लिए इसे अच्छा बजट का। कांग्रेस का सरकार रहता तो इसे ज़्यादा बढ़िया मिल जाता का। मोदी जी ने जो दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे मुख्यमंत्री जी के चलते मिला है इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ये बिहार को इतना बड़ा सौगात मिला है, विकास की गति बढ़ेगी, हम लोगों को आगे जाने का मौका मिलेगा। तेजस्वी खुश नहीं है, कभी कहते कंफ्यूज है वो बजट पर, कभी कहते हैं कि हमारे जो जो हमारे परियोजनाएं थी उसी को नरेंद्र मोदी ने लागू कर दिया इसमें। अब जो पटना में होइए नहीं है तो खुश है कि नाराज है, बात तो हम लोगों को मालूम ही नहीं। ट्वीट करते हैं ना सर, ट्वीट तो करके उनका जानकारी मिल जाती है ना, हमसे नहीं जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपसे नहीं जुड़े हुए? हाँ, हम पर लगाव नहीं है। हाँ। हमसे जुड़े हुए नहीं है इसलिए उनका ट्वीट देखने को हमको नहीं मिलता है। बजट संतुष्ट पूर्ण 500%, इससे ज़्यादा अच्छा बजट बिहार के लिए हो ही नहीं सकता है। अगर अच्छा नहीं है तो राहुल गांधी इतना बेचैन क्यों, क्यों कहते हैं कि बिहार का बजट है? खड़गे क्यों कहते हैं कि बिहार और आंध्र का बजट है? सरकार बचाने वाला बजट है, सरकार बचाने वाला बजट है, ये लोग क्यों क्यों कह रहा है ये बताइए हमको। बिहार की जनता के हक में हुआ है, बिहार के नेताओं के चलते हुआ है, सब अच्छी बात है। सुनील बाबू को इतना कड़ा सजाए नहीं होना चाहिए, इसमें माफ़ी दिया जा सकता था। हम पहला ही उस दिन बोले थे विधानसभा में कि राजा के हृदय उदार होता है, सबको लेके चलना पड़ता है, और दिनकर का एक लाइन है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो शक्तिमान है, राजा है आज के तारीख में, हम सभी उस परिवार के सदस्य हैं, कोई पक्ष में हो चाहे कोई विपक्ष में हो। तो सुनील जी, लेकिन हमेशा टारगेट करते रहे नीतीश कुमार, जब हमने देखा एक बार महागठबंधन में ही जब थे तो उन्होंने कहा था कि आप जानते नहीं हैं आप किधर रहते हैं। राजनीति में जो है, राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी करता है तो समझ लीजिए कि उसको राजनीति का खो भी ज्ञान नहीं है। तो इसलिए कुछ गुजाइश ऐसा रखना चाहिए कि मौका पड़े तो आदमी को मिलने में आंख नहीं चुराना पड़े, तो इसलिए सब देख के चलना पड़ता है। हम बहुत जानकार हैं, हम बहुत बुलोकड़ हैं, समय देख के आदमी को चुप हो जाना पड़ता है, बातें खत्म है। मतलब सदस्यता बच सकती थी सुनील सिंह की? वो राजा जाने, राजा चाहे तो खुद ही बहाल हो सकता है। चलिए देखिए, सुनील सिंह के सदस्यता पर हम चर्चा कर रहे थे। महेश्वर सिंह सर हैं, एमएलसी हैं, निर्दलीय एमएलसी हैं, और इनसे बातचीत हो रही थी कि सुनील सिंह ने आखिरकार क्या गलती कर दिया। सर भी कह रहे कि राजा बचा सकता है, अपने तमाम जो प्रक्रियाएं उनकी होती हैं, एमएलसी का सीट बच सकता है, हालांकि कल एक दिन बचा हुआ है, देखते हैं क्या कुछ होता है। तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए दर्शकों, देखते रहिए भारत लाइव, खबरें लगातार आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।